हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का हमारा वीडियो है बिहार शिक्षक भर्ती के बिहार स्पेशल का पार्ट थर्ड। तो हमने दो वीडियो बिहार स्पेशल की कर लिए हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चंस देख के पता चल गया होगा कि कितने इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रैक्टिस सेट से आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जिन बच्चों का थ्योरी वाइज या सिलेबस वाइज उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो लोग नहीं अपनी तैयारी कर पा रहे, तो इन क्वेश्चंस को करने से उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि इन जितने भी वीडियोस हैं, दो तीन वीडियोस और भी मैं आपके लिए आगे लाऊंगी, इन वीडियो के ही थ्रू मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवा दूंगी कि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ मिले, तो वो मिले हैं मुंगेर से, तो डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचर या वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वे प्राप्त हुए हैं नवप्रस्तर युग, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए हैं चिरांद से, चेचर, सोनपुर एवं मनेर, इन तीनों ही जगहों से प्राप्त हुए हैं, तो इसका उपर्युक्त सभी डी राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानता कब, उत्तर वैदिक काल में, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे, तो मगध तथा विदेह और अंग एवं लक्ष्मी, ये दोनों ही राज्य थे, तो उपर्युक्त ए और बी दोनों आंसर राइट हो जाएगा, तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है, तो वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, तो आवास स्थल किसका रहा था, मगध में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महाकेंद्र था, उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का जो महाकेंद्र था वो था विदेह, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया, व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है मगध राज्य के लिए, मगध राज्य के लोगों के लिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है, तो उत्तर वैदिक काल का जो महत्वपूर्ण राज्य है या था वो था विदेह, तो इसका ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, तो वो मिलती है सी शतपथ ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे, तो 3 महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, वो था वट से, सी इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद स्थित था भागलपुर एवं मुंगेर में। तो इसका सी इज द राइट आंसर, सी इज का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो पटना तथा गया का जो जिला था वो मगध जनपद में या महाजनपद मगध में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज जो राजगीर अब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो मगध और महाजनपद को करती है चंपा नदी पृथक, सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वो था वज्जी, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वह था चेदी, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वो था वज्जी में, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो लिच्छवी के द्वारा, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वो हुआ कुंडा ग्राम में। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो मतलब जिन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है और 24वें याद रखिएगा एवं अंतिम, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं महावीर जी के बारे में, तो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो जैन धर्म के थे वो महावीर स्वामी थे, उनका जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म स्थल कुंडा ग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वो है वैशाली में, तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की माता त्रिशिला जिसे विदेह दत्ता राजकुमारी थी कहाँ की थी? लिच्छवी की, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ दिया था? पावापुरी में, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी कहाँ हुई थी? वो हुई थी पावापुरी में। देखिए जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में और मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी स्थूल भद्र ने, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी कौन सी थी? चंपा, सी इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? तो वो गए थे वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? कहाँ मिले थे? वैशाली में। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? बोधगया में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो हुई थी निरंजना नदी के। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य बौद्ध धर्म 2 भागों, स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? कि कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तो इसका डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जो संबंध राजगीर से भी था, बोधगया से भी था और वैशाली से भी था। तो इसका डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। ये तीनों ही सम्मिलित थी जब उन्होंने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। तो इसका डी इज अ राइट आंसर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? मगध को। ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज, जो राजगिर या राजगृह भी जानी जाती है। अगला है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का जो सर्वप्रथम राजवंश था वो था बृहद्रथ वंश। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबसार था। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिंबसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो वो थे हर्यक वंश के। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिंबसार के शासन काल में। डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो देखिए, बिंबसार ने कौशल देवी, चेलना और खेमा, इन तीनों के ही साथ विवाह किया था। तो डी इज अ राइट आंसर, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो वो जीता था अंग को। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। नेक्स्ट है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो अजातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो वो था अजातशत्रु। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नृत्य की आम्रपाली कहाँ की थी? तो वो थी वैशाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार
रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, तो वो किया था लिच्छवी में। नेक्स्ट है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो वो की थी उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई, तो वो बनाई थी उदयन ने, या उदयन भी तो बोला जाता है। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। ए इज उसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, तो वो था कालाशोक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तो टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी किसने, साहब कमीर ने। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद मनंद। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मगध के किस शासक को कली का अंश या परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक या सर्व क्षत्रांतक या एक कच्छ छत्र और एक राट कहा गया, किसे कहा गया, महापद मनंद को ये सारे कहे गए थे। बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद या धनानंद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, काल तो वो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कहाँ था, तो वो हुआ था राजगृह में। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो की थी महाकश्यप ने। नेक्स्ट क्या है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, किसने किया था, महापद मनंद ने किया था। डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो वो था घनानंद। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो वो बसाया था उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना, तो वैशाली के व्रजियों के आक्रमण के प्रतिरोध में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कि पाटलिपुत्र। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की, तो वो की थी चाणक्य की सहायता से, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईसा पूर्व में। बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी दूत मेगस्तनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीस का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था? 315 ईस्वी में हुआ था। इसका बी इज द राइट आंसर, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीस को भेजने वाला शासक कौन था? तो देखिए वो था सेल्यूकस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो वो पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था चाणक्य, ए इसका राइट आंसर होगा। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे मुक्ति दिलाई थी? यूनानियों से दिलाई थी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो नंद वंश के जो पश्चात शासन किया था वो किया था मौर्यों ने, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? वो है इंडिका, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृतांत में मिलता है? तो वो मिलता है मेगस्थनीज के, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, कौन बना? बिंदुसार, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वर्ष से रहता था? तो वो था बिंदुसार, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? शिलालेख 13 में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी मोगली पुत्र तिस्से ने, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्या है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कि तो वो की थी अशोक ने, सी इज अ राइट आंसर। किस युग में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? वो की थी कलिंग के युद्ध में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धम्म था क्या था? नैतिक आचार संहिता, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पाटलिपुत्र में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो वो की थी बोधगया, शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्यभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो वो की थी 10वें राज्यभिषेक के वर्ष में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुए थे बी चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कहानी रुमिन देई में, शी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची या
प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है कुम्रहार यानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं। किसने कहा है? एरियन ने कहा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानवकृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। वो कहा है फाययान ने। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में जीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो वो था अशोक, जिसने अजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये आज के सीरीज में हमारे 115 क्वेश्चंस हमने आज किए। आप इसे दोबारा से रिवाइज जरूर कीजिएगा और आपको इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।